हेलो गाइस, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक इंडो प्लांट लगाना। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्नेक प्लांट है। और स्नेक प्लांट में देख सकते हैं, इस तरह से रूट्स होती हैं, ज़मीन में अपने आप फैलती रहती हैं और ये कुछ इंच की दूरी के बाद नया प्लांट इसमें से ग्रो कर जाता है। यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको मैं इंडो प्लांट को एक छोटे कमरे में प्लांट कर रहे हैं और उसको अपने कमरे में हम रखते हैं, स्टडी टेबल में रख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्पेशली इंडोर एयर पोल्यूशन को। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास स्नेक प्लांट है। तो मैं यहाँ से एक प्लांट का मैंने कटिंग लिया हुआ है। ये देख सकते हैं बर्ड्स आ रही हैं और एक नया प्लांट, नया लीव्स यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, ये इसका रूट है, राइट। तो यहाँ से मैंने एक काट के, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें कुछ रूट्स निकली हुई है और अब मैं इसको यहाँ पे प्लांट को ड्रॉप करूँगा। सो यहाँ पे मैंने एक पॉट, इंडोर प्लांट पॉट लिया हुआ है जिसमें इस प्लांट को ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे मैंने गार्डन से कुछ मिट्टी ली है, आप देख सकते हैं ये मिट्टी मैंने इसमें भरी है। और इस मिट्टी को भरने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स इसमें मिला रहा हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मैं स्पॉट में, हाँ मैंने मिला दिया है इस पॉट के अंदर। इसके साथ में कुछ डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके कुछ केमिकल मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ। अब मैं इस ट्यूब को, इस नए प्लांट को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये एक पॉट तैयार कर दिया है। सो इस तरीके से आप पेड़ों को लगाइए, इंडोर प्लांट्स को, और प्रकृति को भी सुरक्षित रहिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।